हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैप वीपीएन फास्ट एंड सेफ एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, वैसे इस एप्लीकेशन को अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है 11 नवंबर 2024 में और इसको अपडेट कर दिया गया है 18 नवंबर 2024 को। तब से लेके अभी तक इसको 10,000 से ज़्यादा लोगों ने किया रखा है डाउनलोड। अब ये एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाएगी ताकि आप कोई भी गलती इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते टाइम ना करें। डाटा कलेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टर्म्स ऑफ सर्विस को और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखोगे थोड़ी देर में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो फिलहाल अब इसने एरर दे दिया है यहाँ पे, तो हमको फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक करना है। ट्राई अगेन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे फिर से बाहर फेंक देगा, तो हमको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैप टू कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ी देर में ये फिर से ओपन हो जाएगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा दोस्तों कि अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है ना, तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करें। अब आपको इस रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना कंटिन्यू और यहाँ पे अलाव वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। अलाव पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद आप बहुत सारे काम इसे आसानी से कर सकते हो, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो और भी अलग अलग काम आप इससे आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप ऑल इन वन एप्लीकेशन भी कह सकते हो। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आपको एप्लीकेशन से बाहर निकलना है और बाहर निकल के जो भी करना चाहो वो आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम देते हैं हमेशा क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी ना हो।